आपका पहला प्रश्न, बुध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी गुणवान, ऑप्शन सी समृद्ध, ऑप्शन डी ज्ञाता। सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञान। आपका दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी हरिद्वार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोधगया। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए मोहना नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी फल्गु नदी, ऑप्शन डी महानंदा नदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी फल्गु नदी। चौथा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सागौन का वृक्ष, ऑप्शन बी बरगद का वृक्ष, ऑप्शन सी नीम का वृक्ष, ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी कैबेलस, ऑप्शन सी कंथक, ऑप्शन डी प्रताप। सही उत्तर है ऑप्शन सी कंथक। छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 वर्ष। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। आठवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 476 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 485 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 474 ईसा पूर्व। सही उत्तर है ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व। नौवां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। सही उत्तर है ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी कुशीनारा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुम्बिनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुशीनारा।